कुछ ऐसे हैं कि प्रज्ञा ने B4 खेल के एक्सचेंज कर लिया और अपने लिए एक आउटसाइड पासर को तैयार किया। क्या ये पासर कभी क्वीन बनेगा, वजीर बनेगा? व्हाइट को भी एक्यूरेट खेलना होगा पहले। तो कुल मिला के बात यह है कि ये जो नेक्स्ट मूव आया है उसके बाद ये जो धोखेबाज मीटर है ये तो भाई थोड़ा ऊपर चढ़ गया। दरअसल ऐसा हो क्या रहा है क्या? ओ माय गॉड, व्हाट? अनीश गिरी से एक बहुत बड़ा शॉट मिस हुआ है दोस्तों। फटाफट चैट पे बताओ आपके हिसाब से क्या हो रहा है। इसको कहते हैं ओवरलोड पीसेस। बहुत बड़ा शॉट मिस हुआ है अनीश गिरी से यहां पर। ये महंगा पड़ सकता है क्योंकि अगर सामने वाला अंदर आ गया तो पॉन भी खा जाएगा। ये बहुत महंगा पड़ सकता है दोस्तों। कमाल है, कमाल है, कमाल है। क्या ही चाल आ रही है, जल्दी से बताओ बोर्ड के ऊपर यहां पर चैट पे बताओ क्या ही चाल आ रही है। रुक C2 आ चुका है यहां पर। रुक C2 की एंट्री मतलब अनीश गिरी के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं यहां पर। वो क्वीन C2 सो क्वीन E1 चेक और उसके बाद क्वीन इनटू E4। अनीश गिरी के रिएक्शन से आप समझ सकते हैं क्या ही हुआ है। अनीश से बड़ा मिस हुआ है और टाइम से मिस हुआ है और इससे बेबी सिटिंग का जो प्लान है वो पूरा गड़बड़ हो गया है अनीश गिरी का। जोर का झटका लगाया अनीश गिरी को यहां पर क्योंकि E4 का पॉन गया, मतलब उम्मीदों को बड़ा झटका लगेगा। और उसके बाद क्या ही चाल, क्या ही सेक्रीफाइस प्रज्ञानंदा ने दिया है। और यहां पर अनीश के लिए मुश्किलें ये है कि पहले दिन मैग्नस कार्लसन ने हरा दिया और दूसरे दिन अगर वो अभी प्रज्ञानंदा से हार जाते हैं तो काफी पिछड़ जाएंगे टूर्नामेंट में। वो ओ, ओ यहां पर प्रॉब्लम क्या हुआ भाई, क्या ही कमबैक का चक्कर था। ये देखिए रुक D3 खेला, मिस कर गए, ओवरलोड हो रहा है। C2 का स्क्वायर, क्वीन C2, सो क्वीन इनटू E1 चेक, नाइट F1 ओनली मूव एंड देन क्वीन इनटू E4 और नाइट इनटू E4 बोथ विल वर्क। और एक पास्ट पॉन आउटसाइड ऑलरेडी है, गड़बड़ हो गई यहां पे अनीश से। अभी सोचना पड़ेगा 2-3 मिनट क्योंकि करीब करीब 1000 लोगों ने जो है वोट किया है कि 2.5 से जीतेंगे प्रज्ञानंदा। और यहां पर अलग चाल खेली है भाई, उन्होंने खेला है बिशप A3। तो वो बोल रहे हैं कि आप रुक इनटू E2 मारो, मैं बिशप इनटू B4 मारता हूं, वही हुआ है। Now rook into E1 check, bishop into E1 back, knight into E4.